हाँ, तो कैप कॉलर फ्लोर कर रहे थे, और कैप कॉलर फ्लोर दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, एक तो स्पेकुलेशन के हिसाब से कैसे यूज किया जाता, और एक हेजिंग मैंने बोला था। तो अब कैप कॉलर एंड फ्लो हमें पढ़ना है फॉर हेजर्स। सर, हेजर्स के एंगल से मतलब क्या हुआ? बेटे सुनो, मैंने ये बताया था कि हम कैप क्यों खरीदते। हम कैप इसलिए खरीदते, हमको ऐसा लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, लाइबोर बढ़ने वाला है, तो क्यों ना कैप खरीद ले। तो होता क्या है, चलो भूल जाओ, वो तो स्पेकुलेशन छोड़ दो। मैंने कहा कि मैंने ना लोन ले रखा है, अब लोन लिया है भाई, और वो भी फ्लोटिंग रेट पे, तो मुझे किस बात का डर है? मुझे डर है कि कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए। अब क्या करूं मैं, या तो स्वैप करवा लूं, पढ़ चुके हम लोग, या फिर क्या और क्या कर सकते हैं, और कैप खरीद लेते हैं। सर, एफआरए भी कर सकता हूं, पर कैप सुनो, कैप कैप में क्या होगा, मैं कैप खरीद लूंगा। इसका मतलब है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो नो डाउट भाई, आपने लोन लिया ना फ्लोटिंग पे, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, पर आपको पे ऑफ भी तो मिल जाएगा। हाँ, तो कैप खरीदने से हमको फायदा। अच्छा, कैप खरीदने पे क्या जाएगा? प्रीमियम। तो क्यों ना यार फ्लोर बेच देते, कॉलर स्ट्रेटेजी भी बना सकते। तो इस सिचुएशन में ना हमें क्वेश्चन कैसे करना होता है? तो क्वेश्चन में ना हम लोगों को पूरी स्टेटमेंट दिखाना होता है, और हम लोगों को इफेक्टिव कॉस्ट पूछता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट पूछता है। तो एक इसके लिए एक फॉर्मेट बनाता हूँ छोटा सा, और इस फॉर्मेट में होगा काम, स्टेटमेंट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूछ सकता है आपसे। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले तो रीसेट पीरियड लिख देना, 6 6 माह हो सकता है, 3 3 माह हो सकता है, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे, तो पहले पीरियड लिख लेंगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है सर। सर उसके बाद उस पीरियड में लाइबोर क्या क्या हुआ है ये लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यार आपने बैंक वाले से फ्लोटिंग पे उधार लिया होगा ना, तो जरूरी थोड़ी है कि लाइबोर ही पे उधार लिया होगा, लाइबोर प्लस कुछ इस पर उधार ले सकते हो आप। ये क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, मैं बता रहा हूं कि क्या क्या आएगा, लाइबोर प्लस स्प्रेड, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम एक कॉलम में दिखाएंगे कि हम अगर लाइबोर का रेट ये हुआ तो हम बैंक वाले को कितना देंगे, मतलब इंटरेस्ट पेड टू बैंक। ये बताएंगे कि हम बैंक वाले को कितना देंगे। अब बैंक वाले को देंगे, ठीक है, पर अगर आपने कॉल सॉरी कैप खरीदा होगा उससे पे ऑफ आएगा, तो पे ऑफ किसका पे ऑफ लिखेंगे, कैप का। और अगर फ्लोर मैंने बेचा होगा तो जा भी सकता डाउन होने पे, तो पे ऑफ किसका जाएगा, फ्लोर का, ठीक है। इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद टोटल कर लेना कितना कॉस्ट पड़ा, 10 प्लस 10 प्लस 10, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो टोटल इंटरेस्ट प्रीमियम अगर कुछ होगा तो उसको एमोर्टाइज करना पड़ेगा, वो समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो यहां जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नेट पे ऑफ, इसको आप ग्रॉस पे ऑफ या टोटल इंटरेस्ट बोल सकते हो, इंटरेस्ट में से प्रीमियम मास्क माइनस करूंगा तो नेट पे ऑफ या फिर नेट इंटरेस्ट बोल सकते हो। इस तरह से हमारी टेबल बनेगी, पीरियड, लाइबोर, बैंक वाले को कितने पे उधाया था, कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, कैप का पे ऑफ, फ्लोर का, हालांकि दोनों एक साथ होगा नहीं, कितना इंटरेस्ट पड़ा, प्रीमियम काटने के बाद कितना कॉस्ट पड़ा, इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। तो ज्यादा अच्छा है, क्यों ना मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊं ये बातें। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं हम, पेज नंबर 22 पर।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर 22। अब देखते हैं क्या लिखा है। सेम हेजिंग का क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। लिखा है एक्स वाई जेड इनकॉरपोरेशन इश्यू अ पाउंड 10 मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख हो गए है ना, तो 100 लाख तो बॉन्ड्स इश्यू किया है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट वाला। बोले कोई है एक्स वाई जेड इनकॉरपोरेशन, एक्स वाई जेड इनकॉरपोरेशन, और इसने बॉन्ड इश्यू किया तो देना है, और फ्लोटिंग रेट पर देना 1 जुलाई 2013, ठीक है, लोन विथ रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ, हर 6 माह में चेंज होगा, और जो देना है वो देना है लाइबोर प्लस 0.5%, ठीक है सर, इतना देना है। अब यार इस एक्स वाई जेड को किस बात का डर, और सुनो 5 3 साल तक देना, हर 6 माह में देना, 6 मंथ लाइबोर है तो किस बात का डर, लाइबोर के बढ़ने का डर, ठीक है सर। एक्स वाई जेड इंटरेस्टेड इन अ कॉलर स्ट्रैटेजी, कॉलर मैंने समझाया हूं आपको, बोले कॉलर स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है बाय सेलिंग ए फ्लोर एंड बाइंग ए कैप। तो ये एक्स वाई जेड क्या कर रहा, बाय कर रहा कैप, और सेल क्या कर रहा है, फ्लोर, और एक्स वाई जेड बाय 3 ईयर कैप एंड सेल 3 ईयर फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल ऑन 1 जुलाई 2013 को ये काम करा। नोशनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट है 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए। आगे लिखा हुआ है रेफरेंस रेट 6 मंथ लाइबर, स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस, और इसके लिए एक्सरसाइज प्राइस है 4%, और इसके लिए एक्सरसाइज प्राइस है 7%, कैप के लिए 7%, और ये 4%, मतलब कैप कब एक्सरसाइज होगा, जब 7% से ऊपर जाएगा, ठीक है, फ्लोर सामने वाला कब एक्सरसाइज करेगा, जब 4% से नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम जाएगा और प्रीमियम आएगा, तो बोल रहे वो प्रीमियम जाएगा कैप पर और प्रीमियम आएगा फ्लोर पे, तो बोले दोनों जीरो हो गए, इक्वल हो गए, तो चलो प्रीमियम का टेंशन खत्म। अगर प्रीमियम होता तो फिर क्या करते, तो बेटे फिर हमें 6 6 माह में बांटना पड़ता, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं। लिखा यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रीसेट डेट, हर डेट पे कितना एक्चुअल में इंटरेस्ट पे हो रहा है, सब कुछ काटने वाटने के बाद वो बताना है, और एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एवरेज मतलब हर पर एनम बेसिस पे भी आप बता देना ऑन एन एवरेज कितना हो रहा, ठीक है। रिसेट डेट दे रखा, लाइबोर का रेट दे रखा, तो बस उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा हमारा। तो लिखोगे एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट पेट, सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा पीरियड का, पीरियड या डेट जो भी बोलेगा वो लिख दे। मेरे ख्याल से यहां डेट दे रखा है तो चलो रिसेट डेट लिख देते हैं। कौन कौन सी डेट है, पहली 31/12/2013, और फिर कौन सी डेट है 30/6/2014, फिर कौन सी डेट है 31 दिसंबर 2014, फिर
30/6/2015, और फिर 31 दिसंबर 2015, और फिर है 30/6/2016। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये देखना है कि लाइबोर का रेट क्या होगा। लाइबोर का रेट भी दिया हुआ है शायद, कितना परसेंट? 6%, इसके बाद 7%, 5%, 3.75%, 3.25%, एंड 4.25%। यहां तक भी हो गया, लेकिन सुनो, बैंक वाले को जो देना है वो तो लाइबोर प्लस 0.5 देना है, तो यहां जाएगा एल प्लस 0.5%, तो यहां कितना जाएगा? 6.5%, 7.5%, 5.5%, ये कितना होता है भाई? 4.25 आना चाहिए। यस, 4.25%, ये आ जाएगा 3.75%, और ये आ जाएगा 4.75%। ठीक, यहां तक भी हो गया। ये देना है मुझे बैंक वाले को, तो सबसे पहला इंटरेस्ट पेड टू बैंक। अब इंटरेस्ट पेड टू बैंक कितना? अगर मैं बोलूं सर 6 महीने का निकाल लो ना, बात खत्म, क्योंकि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, और 100% मैं वही निकालता 6 महीने ही का। बेटे 6 महीने का इंटरेस्ट की भाई मुझे 100 लाख पे 6.5% के हिसाब से 6 महीने का देना, फिर 6 महीने का देना, फिर 6 महीने का देना, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। आपके प्रैक्टिस मैनुअल में क्या कर रखा है, उसने डेज के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो अगर आप मंथ के हिसाब से भी कैलकुलेट करो तो कोई इश्यू नहीं है, और मैं होता तो मैं मंथ के हिसाब से, अगर मैं प्रैक्टिस मैनुअल नहीं देखा होता तो मैं मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेट करता, पर कहीं ना कहीं मुझे आंसर मैच करवाना है, और बहुत सारी बातें आप मंथ के हिसाब से भी कर सकते हो, डेज के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस मैनुअल के सॉल्यूशन के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो मैं डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो डेज गिन लेते कितने दिन हो रहे हैं, तो स्वैप कैप कब परचेज करा? लोन 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 तो 1 जुलाई को है, 1 जुलाई 2013। यहां से पहला 6 माह खत्म हुआ 31 दिसंबर 2013, फिर 30/6/2014, फिर 31 दिसंबर 2014, ऐसे दिन गिनते जाएंगे कितना हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाली यहां से यहां तक काउंट कर लेते हैं। जुलाई के कितने ले लेते हैं? 31 दिन, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो यहां 184 डेज ले लेते हैं, 184 डेज। अब दिसंबर जनवरी से जून तक, जनवरी का 31, फेब का 28 दिन पकड़ के चलते भाई, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, और यहां 181 डेज। फिर तो वही चलेगा, यहां 140 184, और यहां 181 डेज, यहां 140 डेज, और यहां 181 डेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप मंथ में भी कर सकते हैं। ओके सर, अब क्या करना है? अब लिखना है इंटरेस्ट पेड टू बैंक। आप बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करोगे? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग अमाउंट, फ्लोटिंग रेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन लिख देता हूं, ऑन लोन। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे, ये एक समस्या है। इंटरेस्ट का कैलकुलेट
कैसे होगा? तो सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? कितने रुपए का लोन? दूसरे पेन से लिखता हूं, यहां क्लियरिटी आ जाए। कितने रुपए का लोन है? 100 लाख। 100 लाख। कितना परसेंट देना? तो 6.5% पर। कितने दिन का? 184 डिवाइडेड बाय 365, जब ले ही रहे तो 365 के हिसाब से ले लीजिए। तो 100 लाख इंटू 6.5% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365, तो बच्चे ये आ रहा है 327671। 100 लाख इंटू 6.5% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, 365 डेज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 लाख इंटू 6.5% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365, तो बेटे यहां इंटरेस्ट आ गया 327671। यहां लिख देता हूं यार, गड़बड़ हो जाएगा। 327671। बात समझ में आ रही है? 10 लाख का निकालना है 6.5%, 184 ठीक। अब आगे मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, ठीक है सर? अब बात समझ में आ गई है। अब अगले 6 माह पर अगर ये हो गया तो मुझे 7.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा? 100 लाख इंटू 7.5% इंटू कितने दिन का? 181 डिवाइडेड बाय 365, तो यहां इंटरेस्ट आ गया 371918, राउंड ऑफ कर रहा हूं। अब यहां फिर 100 लाख पे लगेगा, 100 लाख कितना परसेंट? 5.5% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया इंटरेस्ट 277260। अब फिर से देख लेते, 100 लाख का रेट कौन सा लेना? 4.25% इंटू कितने दिन का? 181 डिवाइडेड बाय 365, तो आ गया 210753। अब इस पे ले लेते 100 लाख कितना परसेंट? 3.75% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365, ये आ गया 189041। एंड लास्ट 100 लाख इंटू 4.75% इंटू 181 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया 235548। 100 लाख इंटू 5.5% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365, 277260, ठीक है। तो ये निकाला हमने इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट पैड होना है। अच्छा सर, ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है कि हमको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बस ये वाला हमारा काम तो हो गया भाई, आपने लोन लिया है तो आपका लाइबोर का रेट बढ़ेगा, तो जितना लाइबोर का रेट होगा 0.5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप मंथ में भी कर सकते हो, पर मैं प्रैक्टिस मैनुअल को फॉलो कर रहा हूं और मैंने डेज में करवा रखा, ठीक है सर, यहां तक तो। अब किसकी बात कर, अब हमारे पास दो चीजें बची हुई है, कैप और फ्लोर, और वो एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा बस ये देखना। तो पहले क्या किया, बाय कैप, उसका पे ऑफ देख लेते हैं, और क्या किया आपने, सेल फ्लोर, उसका पे ऑफ देख लेते हैं, और फिर यहां क्या कर देते हैं, नेट पे ऑफ, नेट कितना, प्रीमियम है नहीं है, ठीक है। अब सोचते हैं कैप कब एक्सरसाइज होगा? सर कैप तो तब एक्सरसाइज होगा ना जब रेट 7% से ऊपर जाएगा। अब समस्या सुनोगे, समस्या
7% क्या चीज, स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब सर बेकूफी वाला क्वेश्चन है, लाइबोर ही तो होगा एक्सरसाइज प्राइस। 7% से ऊपर तो लाइबोर होना चाहिए ना, लाइबोर 7% से ऊपर जाएगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगा। आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने एक्सरसाइज प्राइस इसको लिया है, लाइबोर प्लस 0.5%। यहां भी मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन करवाना। मैं एज्यूम करूंगा इसमें कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस लिया वो लिया है लाइबोर प्लस 0.5%, जबकि एक्चुअल में अगर मुझे मैंने पीएम नहीं देखा होता तो मैं यह लेता, पैसे भी कर सकती हूँ। तो यहां मैं एज्यूम कर देता हूं, इट इज एज्यूम दैट, इट इज एज्यूम दैट एक्सरसाइज प्राइस इज लाइबोर प्लस 0.5%। सर क्यों मजबूर हूं, क्या होता क्या है एक्चुअल में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं बच्चे बोलते सर प्रैक्टिस मैनुअल से हमारा आंसर टैली नहीं हो रहा, तो बस ये थोड़ी सी समस्या है, बाकी और कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव सर हम इसको भी एक्सरसाइज प्राइस मान सकते हैं कि हाँ इसको भी मान सकते हो, लाइबर को मानना ही चाहिए, पर एक नोट जरूर डाल लेना कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि लाइबर एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, मैं पीएम फॉलो करवा रहा हूं उस हिसाब से। तो अब कैप कब एक्सरसाइज होगा, जब 7% से ऊपर जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किसको देखना, इसको देखना है, इसको इग्नोर करूंगा मैं। ठीक है सर, तो यहां तो 6.5%, तो बेटे ये होगा लैप्स। सर यहां तो एक्सरसाइज होगा, यस यहां एक्सरसाइज होगा, बोलो क्या 7% से ऊपर है, यस तो यहां एक्सरसाइज होगा। चलो पे ऑफ देख लेते कितना आ रहा है, पे ऑफ निकाल रहा हूं बेटे। ठीक है सर निकालिए, पे ऑफ कितना निकलता है, कितने पे बेटिंग हो रही है, 100 लाख। कितने का फायदा, 0.5%, बड़ा ना, कितने दिन का, 181 डिवाइडेड बाय 365, 100 लाख इंटू 0.5% इंटू 181 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया है 24794। सर ये तो हमको फायदा होगा ना, मिला, हाँ बेटी ये मुझे मिला, अभी बाद में हिसाब किताब करेंगे क्या हो रहा, बाकी ये मुझे मिला है पे ऑफ, बढ़ेगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है सर, इस पर एक्सरसाइज होगा क्या, नहीं, इधर तो क्या हो गया लैप्स। सर आगे 4.5, यहां भी क्या हो जाएगा लैप्स। सर यहां यहां भी क्या हो जाएगा लैप्स, और यहां यहां भी क्या हो जाएगा लैप्स। अब सामने वाला फ्लोर एक्सरसाइज करेगा, कब एक्सरसाइज करेगा, जब 4% से कम होगा, क्या कम होगा, लाइबोर की लाइबोर प्लस 0.5। ठीक है तो अब यहां क्या होगा, यहां एक्सरसाइज होगा कि नहीं, लैप्स, और सर यहां यहां भी लैप्स, और सर यहां यहां भी लैप्स, और सर यहां यहां भी लैप्स। सर यहां तो होगा ना एक्सरसाइज, 4% से नीचे जाना चाहिए, यस पक्का बेटे यहां ऑप्शन एक्सरसाइज होगा फ्लोर। और कितना डिफरेंस आएगा, 4 ये और ये 3.75 निकाल लेते हैं, कितने का लेना है, 100 लाख। इंटू कितना परसेंट, 4 से कितना हो गया, 3.25%। इंटू कितने दिनों का, 184 डिवाइडेड बाय 365, 100 लाख इंटू 0.25% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365, तो बेटे ये आ गया आपका 1260 1260 3 ले लेते हैं इसको 3। और सर 4.2 इधर भी क्या हो गया, लैप्स, बात खत्म। ठीक, अब मैं नेट कर रहा हूं, इफेक्टिव इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, या नेट को मैं एक नाम दे देता हूं, मुझे वही तो निकालना, इफेक्टिव इंटरेस्ट पैट, इफेक्टिव इंटरेस्ट
पैट, आराम से सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। बोलो बेटे कितना इंटरेस्ट गया ये, और कुछ आया गया कुछ भी नहीं, तो इफेक्टिव यहां कितना आएगा? यहां उतना ही आएगा सर, 327671। सर यहां ये गया, और बोलो कैप एक्सरसाइज किया तो मतलब मुझे फायदा हुआ, क्योंकि मैंने कैप खरीद के रखा था, तो मेरा जो कॉस्ट है ना उसमें से ये माइनस हो जाएगा। मैंने कोई साइन नहीं लगाया माइनस का, माइनस क्यों हो रहा सर, हमको लॉस हो रहा है, बेकार की बातें सब कुछ, समझदार हो आप, इतना जा रहा पर ये मुझे मिल जाएगा, तो नेट कितना पड़ेगा? 371918 माइनस 24794, तो ये आ गया 347124। इधर तो कुछ आया भी नहीं गया भी नहीं, तो उतना ही लिख दे, 277260, यहाँ आएगा 210753। अब सुनना ध्यान से, ये तो जा ही रहा है, साथ में सामने वाले ने फ्लोर एक्सरसाइज किया तो ये भी मेरे पास से जाएगा, इट मीन्स मेरा जो पेमेंट होगा 189041 प्लस 12603, तो टोटल मेरे पास से गया इस बार 201644, और यहां तो इतना ही जाएगा 233, नहीं 2355 48। चेक करो कि टोटल, ये बेटे हर रिसेट पीरियड में इतना इतना इंटरेस्ट इफेक्टिव पैड होगा। इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो ये पैड हो रहा है पर कैप और फ्लोर की वजह से को नेट करने के बाद इतना पैड हो रहा है, दिस इज इफेक्टिव इंटरेस्ट पैड। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, अब पूछा और एक चीज पूछा है शायद, एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज बताना है, एवरेज ओवरऑल। तो एवरेज सबसे पहले इसको टोटल मारो कितना हो रहा है, 327671 प्लस 347124 प्लस 277260 प्लस 210753 प्लस 201644 प्लस 235548, तो ये अप्रोक्स आ गया 16 लाख। अच्छा ये कितने दिन का है वो भी देख लेते हैं, डेज 184 प्लस 181 प्लस 184 प्लस 181 प्लस 184 प्लस 181, ये है कितने डेज का है, 1095 डेज। अब उसने पूछा एवरेज, तो एवरेज ले लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन। अब बस दिमाग चला लो थोड़ा सा, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 16 लाख रुपए पैड हो रहा, कितने पर, 100 लाख पे सर। ठीक है, इनटू 100 तो ये परसेंटेज निकल जाएगा, पर ये कितने दिन का है, ये है 1095 डेज, और मुझे कितने डेज का निकालना, 365, तो ये आ गया 16 लाख, ये तो 16% हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 1095 इंटू 365, तो अप्रोक्स आ गया बेटे 5.33% पर है ना। हालांकि एक बात बताऊं, मैं इससे भी खुश नहीं हूं, पीएम फॉलो कर रहा हूं मैं, तो वो आईआरआर निकालते उस टाइप का निकालने वाला, उस तरह से निकालना चाहिए भाई, 6 मंथ है, कंपाउंडेड है, पर अभी 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 ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिंपल है, प्रैक्टिस मैनुअल को फॉलो करना, बात खत्म। तो ये क्वेश्चन था, प्रैक्टिस मैनुअल में भी क्वेश्चन है, और एक एक चीज मैंने प्रैक्टिस मैनुअल का फॉलो किया हूं। अल्टरनेटिव एजम्पशन आप ले सकते हो, क्या क्या एजम्पशन हो ले सकते हो, पहला, पहली गलती, मैं डेज में ना लेकर मैं मंथ में ले सकता हूं, ठीक है। दूसरी, दूसरी तो बिल्कुल बेकार की बात है कि स्ट्राइक प्राइस लाइबोर पे होना चाहिए ना, जबकि स्ट्राइक प्राइस किस पर लिया गया है, इस पर लिया गया है प्रैक्टिस मैनुअल में। तीसरी बात, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने एवरेज जो निकाला है वो
ऐसे निकाल लिया, पर ऐसे होना तो नहीं चाहिए, किसी और तरीके से, ट्रायल एंड एरर मेथड से, जैसे IRR निकालते ना वैसे निकाला जाता है, उस मैटर पे मैं बात नहीं करूंगा। दैट्स इट, ये क्वेश्चन में बस यही बात थी, दो चीजें पूछा था, इफेक्टिव इंटरेस्ट पैट और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, थीके?